दोस्तों आज मैं बात करता हूं कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको छोटी छोटी बातें कैसे रोक लेती। कई बार हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ रुक रही है। तो जब मैं शुरू शुरू में ट्रेड करता था और अपनी इन्वेस्टिंग शुरू की थी तो मेरे दो दोस्त हुआ करते थे जो सब ब्रोकर थे, मैं उनके साथ काम कर रहा था। अब मैं यहाँ पे अपना सारा कंटेंट क्रिएट करने में लगा था, क्लासेस ले रहा था, लोगों को समझा रहा था कि मार्केट में काम कैसे करना है, लेकिन मैं अपनी ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता था। तो मेरे जो दो सब ब्रोकर दोस्त थे वो मेरे अकाउंट को हैंडल करते थे। अब अकाउंट को हैंडल करने के बाद बात क्या बनती थी कि मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूं, मैंने कोई पोजिशन बनाई, अचानक से वो पोजिशन नीचे आ गई तो वहां पे उन्होंने स्टॉप लॉस जब मैं लगाने को कह रहा हूँ वो बोले कि नहीं स्टॉप लॉस ले लूं मैं देख लूंगा। फिर बाद में वो मौके पे घबरा गए या उनका ध्यान नहीं गया तो पता लगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो बोले यार मालूम नहीं पता एकदम से नीचे चला गया। मुझे लगता था स्टॉप लॉस लगाने को मना क्यों किया। फिर कभी कभी उन्होंने बॉटम में चीजें नीचे भेज दी। अब मेरी स्टडी है, मेरा कन्विक्शन है तो मुझे मालूम है कि यार इससे निकलना नहीं था, लेकिन वो निकल गए घबरा के। तो ऐसे धीरे धीरे लॉस पाइल अप होने लगा। कभी कभी मार्केट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा था तो जैसे ही बाजार में गिरावट आई उन्होंने उसको लॉस बुक कर लिया और घबरा के बाहर निकल गए। अब ऐसे में वो जो एक बार मुझे किक मिलना चाहिए था कि एक बार मैंने 2 लाख रुपए लगाया, वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए बन गया और उसके बाद आगे वो चल रहा है, वो किक लेट हो गया, डिले हो गया कम से कम 5-7 साल। जब तक मैंने अपने उन दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा तब तक ये चीज हो नहीं पा रही थी। और ये ध्यान रखो कि वो दोस्त बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, मेरे बुरे दोस्त भी नहीं थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मेरा ख्याल करते थे, मुझसे प्यार करते थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कन्विक्शन में। तो जब आप अपने स्पेस में होते हो और आपको अपनी गलतियां करने की आजादी मिलती है और जब आपको कोई जज नहीं कर रहा होता है उस वक्त आप सबसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आप ये तो नहीं कह सकते कि दुनिया में कोई भी आसपास का इंसान आपको कुछ भी कमेंट करना या जज करना बंद कर दे, लेकिन ये जरूर कीजिए कि अपना एक स्पेस लीजिए और उस स्पेस में हम भी अपना काम करें और सामने वाले को भी अपना काम करने दें, तब शायद आपकी क्वालिटीज उभर के सामने आ सकती है। तो आपको स्टडी करनी है, उस स्टडी से कन्विक्शन आता है। शुरू शुरू में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, आपको बिल्कुल पता नहीं होता है जिंदगी में आगे क्या होने वाला। जैसे मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में पहले आपको बताया था कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि महीने का 5,000 रुपए से भी ज्यादा मैं कभी कमा पाऊंगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरी सर्विसेज के लिए कोई पैसा देने को तैयार होता। और ये सेल्फ डाउट दुनिया के हर एक इंसान को, दुनिया के बाकी लोगों को आपके अंदर बहुत सारी खूबियां नजर आती है, लेकिन खूबियां तो लोग खुल के कहें ऐसा हमारे यहाँ का कल्चर है नहीं। तो हमारे आसपास एक ऐसा दायरा होता है 10-15 लोगों का दायरा जो बिल्कुल आपके क्लोज फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली या एकदम आपके क्लोज फ्रेंड्स का दायरा होता है। वो लोग आपको आपकी चिंता में पता नहीं बार 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 आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें कहते हैं ताकि आप में बदलाव आ सके। वो उस बदलाव की जल्दबाजी में होते हैं, वो कभी भी ये नाप नहीं पाते कि आप चीजों की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी चिंता की वजह से उनको ये दिखाई नहीं देता। लेकिन उस दायरे के बाहर के लोगों को आप में बहुत सारी खूबियां दिखती भी है। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि यार इस आदमी का यह पोटेंशियल है, ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेता, लेकिन ये बात आपको बहुत देर से समझना आती है दोस्तों। तो ध्यान रखें कि चाहे जो भी हो, आप अपने किसी भी करियर में हो, स्टडीज में हो या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में आए हो, शुरू में आप अपने आप को आपको एक समय देना पड़ेगा। और शुरू का जो समय होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब किसी भी बिजनेस में, जैसे आप अपना कोई करियर या बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कौन सा बिजनेस शुरू करना है, इस फैसले तक पहुंचने में हो सकता है 3 से 6 महीने लग जाएंगे। और उस दौरान आपकी कोई गति नहीं होगी, उस दौरान आपके पास दूसरों को देने के लिए कोई जवाब भी नहीं होगा, उस दौरान आपके पास कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक आंसर सामने नहीं होगा। वो समय अगर आपने सही तरीके से कोशिश करके सही तरीके से सीख सीख के गुजार लिया और लोगों के सवालों का सामना कर लिया शुरुआत के दौर में, तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे मैं आपको बोलता हूं कि पोर्टफोलियो जब आप बनाएंगे ना स्टॉक्स का और आपने कोई डिसीजन लिया तो कुछ भी कर लो,
आपके डिसीजन गलत होंगे ही होंगे, और कुछ भी कर लो आपके डिसीजन सही भी होंगे, मतलब एक मिक्स रहेगा। अगर आप 10 स्टॉक उठाएंगे तो उसमें से 6 चलेंगे 4 गिरेंगे, या 4 चलेंगे 6 गिरेंगे, ये मिक्स बना रहेगा। और धीरे धीरे ये ऐसा नहीं होगा कि 4 में से आप 9 सही हो गए या 4 में से 9 गलत हो गए। आप एकदम पूरे गलत नहीं होते, ये खुशखबरी है, और आप एकदम पूरे सही नहीं होते, ये आपको ध्यान देने की बात है। तो धीरे 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 आप ग्रो करते हैं, पर आपको पता नहीं चलता। और 2 साल अगर अपने पोर्टफोलियो को आप टाइम दे देना, जैसे एक छोटे बच्चे को पालते हैं, तो नवजात शिशु जो इन्फेंट होता है उसको बड़ा रिस्क है, 3 महीने 6 महीने की उम्र में उसको कोई भी बीमारी इन्फेक्शन पकड़ सकता है, उसको बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन अगर वो 2 साल से ज्यादा का हो गया और चलने लगा अपने पैरों पे, तो आपको कम ध्यान देना पड़ता है, और 4-5 साल के बाद तो वो अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर देता है। पोर्टफोलियो का भी सेम यही बात है दोस्तों, इसलिए मैं आपको कई बार बोलता हूं कि जैसे आपके 2 बच्चे हैं, है ना, एक सन है एक डॉटर है, तो एक और बच्चा है पोर्टफोलियो। अगर आपने इस पोर्टफोलियो को जवान होने दिया, तो फिर आपके उन दोनों बच्चों का ख्याल रखने के लिए पोर्टफोलियो है, बड़ा भाई उनका, ये सब कुछ संभाल लेगा। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को 25 या 30 साल का होने दिया ना, तो फिर आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं, बच्चों के बच्चों को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जब बात होती है कि यार स्टॉक्स को 30 साल के लिए 50 साल के लिए रख के भूल जाओ, तो एक छोटा सा आदमी जिसने कभी सफलता देखी नहीं, जिसने कभी पैसा देखा नहीं बहुत सारा, वो ये कहेगा कि 30 साल तक किसको पता क्या जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, ऐसी बात हम करते हैं। लेकिन दोस्तों असल चैलेंज सिर्फ 3-4 साल का है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और फिर मैंने जो आपसे बात कही, अपने ऊपर संदेह करना थोड़ा सा कम कीजिए, इतना कि आप कोशिश ज्यादा करें, चिंता कम करें। चिंता तो रहेगी, एकदम से जाने वाली नहीं है। मेरे लेक्चर सुन के आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ, आपका माइंडसेट एकदम बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अच्छी बातों को बार बार सुनना पड़ता है। हमारे जो कैसे हो बिंदास जिंदगी पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ में हमने एक अलग से कोर्स बना के रखा है, उसको जब आप सुनेंगे तो उसमें वही आपके थॉट प्रोसेस सही करने के लिए बार बार जीवन मंत्र है उसमें, लाइफ के ऐसे सक्सेस फॉर्मूलाज है कि जिनको अगर बार बार सुनो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और फिर बन जाते हैं आप 1 महीने के अंदर एक नए इंसान। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 9 बजे डेली मैं आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आ रहा हूं। और दूसरा एक और खास बात, स्टॉक मार्केट के लिए एक खास कोर्स में लॉन्च कर रहा हूं, इक्विटीज के लिए एक बड़ा ट्रेड महीने का आप स्टॉक्स में करेंगे। पहले आपने निफ्टी बैंक निफ्टी का कोर्स देखा, निफ्टी बैंक निफ्टी कई बार रेंज बाउंड हो जाते हैं, कई बार मतलब 1 साल में से 3 महीने इनमें मूवमेंट आता है, 9 महीने तो ये रेंज बाउंड रहते हैं। जब ये रेंज बाउंड रहते हैं तब कुछ स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं, उसमें 10-12% का मूवमेंट आता है। जैसे आज RIIL 870 से चला तो सीधा 940 तक चला गया, तो ऐसे मूवमेंट का फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों मार्केट तो रेंज बाउंड है, लेकिन आपने एक ही शेयर में 1 लाख रुपया बना लिया। ये कोर्स में लॉन्च कर रहा हूं, विद इन 5 डेज आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आज 999 में आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं, हर दिन इसका फी बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक्चुअल फी क्या रहेगा, 5999 6,000 रुपए का फी रहेगा एक्चुअल। अभी आपको सिर्फ 999 में बुक करने का मौका दे रहे हैं। आज अगले 4 घंटे तक, जब ये आप वीडियो देखते हैं उसके अगले 4 घंटे तक आप 999 पे कर सकते हैं, जो नंबर दे रखे उस पे गूगल पे या फोन पे कर देंगे, या फिर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और फिर आप इंतजार कीजिए। आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी आने वाली है कि महीने के 1 दिन में आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसमें फायदा क्या है, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स रहते हैं तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई स्टॉक में ब्रेकआउट होता रहता है, तो अगर उसको ठीक से पकड़ना सीख गए तो 10 गुना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों ये अकेली स्ट्रेटेजी आपको इतना सेफ काम करना सिखा देगी कि सारा शोर सारा स्ट्रेस खत्म। बस जो हमने बताया वो 1 घंटे के वीडियो में आपने उसको 3-4 बार देख लिया, हर हफ्ते 1 बार देखना भी पॉसिबल है, और उसके बाद देखो क्या जादू होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।